मैं आपको लेकर के आया हूँ इंदर लोक की भाई पतंग मार्केट में। जैसे कि आप देख रहे हो भाई, ये पूरी मार्केट कूलर की रहती थी, पर अगस्त में यहाँ पर आपको पतंग ही पतंग देखने के लिए मिलेगी भाई। ठीक है, कनाडा पतंग कौन सी है भाई? अच्छा ये वाली, ये देख लो भाई, स्पेशल कनाडा में और पाकिस्तान में उड़ती है। ये देख लो भाई, चेक करो भाई, इतनी क्वांटिटी में वो भी ओरिजिनल मान जे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसकी क्या गारंटी है? ओरिजिनल ये होता है कि बरेली से आ रहा है ये। ठीक है, डुप्लीकेट बहुत मिल जाए यहाँ पे, हम गारंटी के साथ बताते हैं आपको। यहाँ पे ओरिजिनल पांडा भाई, इस सब बरेली का मांझा होगा हमारे पास। क्या बात है भाई, इतने प्रीमियम मांझे मैंने अभी तक वीडियो में दिखाए नहीं है। ये भी ना, ये कहीं भी नहीं मिल रहे भाई ये वाले मांझे आपको। ठीक है, तो आपको इस टाइप के मांझे लेने हैं ना, तो फटाफट विजिट कर लेना भाई, यहाँ पर कलेक्शन आ रखा भाई काफी प्रीमियम क्वालिटी वाला। देखे नहीं होंगे, लाल कुएं में नहीं मिलते इतने मांझे। तो भाई ये देख लो भाई, चेक करो भाई वाले भी बताओ। ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो भाई इस टाइप से रहने वाली है। इसकी क्या प्राइसिंग है भैया? मैं आपको लेकर के आया हूँ इंदर लोक की भाई पतंग मार्केट में। जैसे कि आप देख रहे हो भाई, ये पूरी मार्केट कूलर की रहती थी, पर अगस्त में यहाँ पर आपको पतंग ही पतंग देखने के लिए मिलेगी भाई। ठीक है, आगे तक आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको पतंग देखने के लिए मिलेंगी। इतनी यूनिक पतंग मिल जाएंगी ना यहाँ पर, जो कि आपको पूरी मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलती हैं भाई। ठीक है, भैया के पास चलते हैं, चेक करते हैं भाई, यहाँ पर बड़ी से बड़ी पतंग, छोटी से छोटी पतंग, सारी वैरायटी में आपको यहाँ पे पतंग अवेलेबल होने वाली है। भैया के पास चलते हैं, चेक करते हैं भाई क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। हेलो भैया जी, क्या क्या चीजें मिल जाती हैं आपके पास? भाई साहब हमारे पास हर वैरायटी मिलेगी, इंदर लोक की सबसे पुरानी दुकान है ये। क्या बात है, बताऊं आपको, इंदर लोक की सबसे पुरानी दुकान है पतंग की। ठीक है, यहाँ पे हर वैरायटी मिलेगी आपको। ठीक है, बता दो, यहाँ पे ओरिजिनल चीज मिलेगी, डुप्लीकेट नहीं मिलेगी यहाँ पे। अच्छा, पतंग भी हिंदुस्तान के कोने कोने से लाए हुए पतंगे भी। क्या बात है, और मांझा भी सब मिलेगा आपको, बरेली का मांझा यहाँ पे। चेक करो भाई, इतनी क्वांटिटी में वो भी ओरिजिनल मांझे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हमारे भैया के पास मिलेंगे, इंदर लोक में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एक ये चेक कर लो भाई, यहाँ पे भी पूरा भरा हुआ है माल। भैया जी ओरिजिनल है, जैसे कि आप बता रहे हो ये ओरिजिनल रहने वाले हैं, इसकी क्या गारंटी है? ये ओरिजिनल ये होता है कि बरेली से आ रहा है यहाँ पे, डुप्लीकेट बहुत मिल जाए यहाँ पे, हम गारंटी के साथ बताते हैं आपको। यहाँ पे ओरिजिनल पांडा, ओरिजिनल चीज मिलेगी, दिखाइए, चेक कर लेते हैं भाई, भाई का दिखाइए, सब का दिखाइए। क्या बात है भाई, चेक करो भाई, ये जाकिर भाई जो बरेली के हैं, जाकिर भाई ओरिजिनल पांडा होगा ये, ओरिजिनल मांझा। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, ये जाकिर भाई है। ठीक है, ये खोल कर दिखाओ भैया, एक आधा खोल के दिखाइए आप, चेक करते हैं। ये छह तार पांडा है, छह तार का पांडा रहता है, का पांडा होगा। क्या बात है भाई, ये देखो भाई, भाई चीज है भाई, वाक्य में ही चीज है भाई। आपको अगर सही में मांझे वगैरह लेने हैं ना भाई, तो यहाँ पर विजिट कर लेना भाई, इतने प्रीमियम क्वालिटी के मांझे आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। ये शानू भाई है। ठीक है, ये देख लो भाई, ये सब बरेली का मांझा होगा हमारे पास। क्या बात है भाई, इतने प्रीमियम मांझे मैंने अभी तक वीडियो में दिखाए नहीं है। ये भी ठीक है, ये देखो भाई। और भैया जी एक रील लेना चाहेगा तो कितने रुपए का पड़ेगा एक रील? एक रील ये बताएंगे भाई कितने का पड़ेगा, ये यहाँ पे पर रील की स्टार्टिंग 150 रुपए से होती है, 150 से 600 रुपए तक की रील है। जैसे कि आपने ये वाला दिखाया शानू वाला, शानू भाई के मांझे की स्टार्टिंग, ये है पांडा जी, शानू भाई का पांडा 400 रुपए रील से स्टार्टिंग, 400 रुपए रील के हिसाब से 600 रुपए तक का है। क्या बात है भाई, इसमें भी वैरायटी होती है। ठीक है, ओरिजिनल एनआरके। क्या बात है भाई, ये वाले मांझे मैंने अब तक वीडियो में कहीं भी नहीं दिखाए, लाल कुआं की भी वीडियो बनाई है, कहीं भी नहीं मिल रहे भाई ये वाले मांझे आपको। ठीक है, तो आपको इस टाइप के मांझे लेने आना है तो फटाफट विजिट कर लेना भाई, यहाँ पर कलेक्शन आ रखा भाई काफी प्रीमियम क्वालिटी वाला भाई। ठीक है, ये देख लो भाई, और ये ओरिजिनल रहने वाले हैं, जैसे कि भैया ने बताया आपको, एनआरके का पूरा टैग लगा हुआ है। ठीक है, पूरा सब कुछ ये रहा यहाँ पे, उसका बायोडाटा। इसकी पर रील कितने रुपए की पड़ जाएगी भाई? इसकी एनआरके की पांडे की पर रील होती है 500 रुपए, 500 रुपए पर रील पड़ने वाली है भाई। ठीक है, ओरिजिनल वैरायटी है, लोकल कुछ है नहीं डुप्लीकेट, जैसा कि हमने भाई और दिखाए हैं, और भी मांझे कोई लोग 200 रुपए रील ले रहा है, 250 रुपए रील ले रहा है भाई, इनकी स्टार्टिंग ही देख लो कितने से हो रही है, तो समझ सकते हो आप क्यों हो रही है, क्योंकि ओरिजिनल चीज रहने वाली है भाई। डिस्कवरी, ठीक है, चेक करा दो भैया, ये भी डिस्कवरी पांडा, ये भी काफी प्रीमियम लग रहा है भाई, देखने में प्रीमियम लग रहा है, तो भाई आपको क्या ही चीज मिलने वाली है ना। ये देखो भाई, बहुत प्यारे, इसके अंदर रैम्बो कलर आते हैं। ठीक है, क्या बात है भाई, लग रहा है भाई कत्ल भाई। कितने का दे दोगे भैया ये वाला पर रील?
भाई इसकी पर रील पड़ेगी आपको 300 रुपए। 300 रुपए पर रील में आपको ये वाली मिल जाएगी भाई, ठीक है। और बाकी इनसे भैया होलसेल वगैरह में भी करते हो आप डील? होलसेल रिटेल दोनों में मिलेगा, ठीक है, रिटेल दोनों करते हैं। और ये हमारा दावा है, 12 साल का बच्चा भी 12 पतंगे काटेगा, ओरिजिनल मांझा है। क्या बात है भाई, 12 साल का बच्चा भी 12 पतंग काट लेगा भाई, ऐसे मांझे हैं ये, ठीक है। हमारे उस्ताद की डोरे हमारे उस्ताद असलम उस्ताद बरेली के, ठीक है, बरेली के। क्या बात है, बायोडाटा लिखा हुआ है, ठीक है। उस्तादों के उस्ताद है ये भाई, इतने मांझे दिखा दूंगा ना आज आपको, आपने देखे नहीं होंगे, लाल कुएं में नहीं मिलते इतने मांझे। तो भाई ये देख लो भाई, चेक करो भाई, वैरायटी है भाई मांझों की इनके पास। ये असलम भाई मशहूर है बरेली के, ठीक है, मशहूर है। ये वर्धमान के अंदर डोर लगी हुई है, वर्धमान का रैपर है ये, 123 की डोर है, ठीक है। प्राइसिंग क्या दे दोगे भैया फिर इसकी? इसकी प्राइसिंग है ये 12 रील का चरखा है, ठीक है। 12 रील के सेल करेंगे, प्राइस ये 3600 रुपए। एक रील का बताओ, सिंगल रील पड़ती है इसकी 400 रुपए। 400 रुपए पर रील दे दोगे? और भैया ऐसा तो नहीं है जैसे कोई आ रहा है आपके पास उसको पूरा चरखड़ा ही लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं, आपको रील लेनी है रील मिलेगी, पूरा चरखड़ा लेना पूरा चरखड़ा मिलेगा, वो ये रहने वाला है, ठीक है भाई। अगर आपको सिंगल रील लेनी है वो भी मिलेगी, और ऐसा नहीं है इसकी नहीं मिलेगी उसकी नहीं मिलेगी, जोन सा भी आपको लेना है ना उसमें से निकाल के आपको एक रील दे देंगे भाई, ठीक है। अगर आप पूरा चरखड़ा लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल इनके पास हो जाएगा। अच्छा भैया एक बात बताएं, जैसे आपके पास एक रील से लेकर कितने रील तक के चरखड़े होते हैं? एक रील से लेकर 12 रील तक के चरखड़े, 12 रील तक मिल जाएंगे? क्या बात है भाई, 12 रील तक के चरखड़े अवेलेबल है इनके पास भाई, ठीक है। एक और चेक कराया भैया ने, शाकिर भाई का स्पेशल डोर है ये, ठीक है। 123 में लगी हुई है, ठीक है, ये रहा वर्धमान के अंदर। क्या बात है, 123 ये रहा, 900 मीटर। क्या बात है, एक रील 900 मीटर की होती है जी, एक रील 900 मीटर, ठीक है। बाकी लोग डुप्लीकेट बेचते हो 700 मीटर 500 मीटर की होती है, लेकिन अपनी पूरी 900 मीटर, पूरी 900 मीटर ये देख लो भाई, ठीक है। और भाई मांझा भी भाई वैरायटी है, जैसा कि मैंने बताया ना प्रीमियम है, चीजें आपको मिलेंगी इनके पास। इसकी पर रेल कितने की पड़ जाएगी भाई? इसकी पर रील पड़ती है अपने को 250 रुपए। 250 रुपए पर रील मिल जाएगी। और देखो ऐसा भैया, स्टार्टिंग पर रील की बता दो, कहाँ से बता रहे थे आप? स्टार्टिंग पर रील की 150 रुपए, 150 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी। और ऐसा नहीं है भाई सीधा आपको भाई 500 रुपए वाली मिलेगी, 150 रुपए से स्टार्टिंग होकर के 600 रुपए पर रील तक इनके पास मिल जाएगा, है ना भैया जी? ठीक है, ये 150 रुपए की रील है, ठीक है। ये चेक कर लो भाई, ये 150 रुपए पर रील है, 150 रुपए पर रील का है ये। और ये पूरा चरखड़ा कितना रील का है? ये पूरा चरखड़ा 6 रील का है, 6 रील का। अगर पूरा चरखड़ा कोई लेता है तो कितने का पड़ जाएगा? 150 रुपए के हिसाब से 900 पड़ते हैं, लेकिन हम 800 रुपए में दे देते, 800 रुपए में दे दोगे जो पूरा चरखड़ा लेता है उसके लिए डिस्काउंट हो जाएगा भाई, पर रील के लिए क्या ही डिस्काउंट होगा, है ना भैया? तो भैया जैसा कि मांझों की वैरायटी तो दिखा दी, बाकी वैरायटी बहुत है, एक वीडियो में हम दिखा भी नहीं पाएंगे, इतनी वैरायटी आपको इनके पास मिल जाएगी। पतंगों की बात कर लेते हैं भैया, पतंगों की स्टार्टिंग प्राइस होती है भी हमारे पास जो है ना हिंदुस्तान के कोने कोने से आई हुई है, क्या एक से एक यूनिक आई हुई है, एक से एक बढ़िया पतंगे आई हुई है। बात करें स्टार्टिंग प्राइस की, स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? स्टार्टिंग जो होगी 10 रुपए से होगी, 10 रुपए से स्टार्ट होती है, 700 रुपए तक की पतंग। और ये रिटेल के प्राइस बता रहे हो आप, होलसेल के? रिटेल, रिटेल के प्राइस बता रहे हैं, बाकी होलसेल करते हो आप पतंग? होलसेल में भी 1-2 रुपए कम हो जाते, होलसेल में भी मिल जाएगा आपको, होलसेल में भी कर देंगे। क्या बात है भैया, चेक कराओ और पतंग ऐसी दिखाओ जो बिल्कुल यूनिक हो, ये हर किसी के पास ना मिल पाए ऐसी पतंग हो। खास तौर से बता रहा हूँ मैं दिल्ली वासियों को, चाइना के मांझे से सावधान रहें, बिल्कुल, क्योंकि चाइना का मांझा आपको मालूम है हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। इसकी अगर किसी को अगर जानकारी हो तो दिल्ली पुलिस को फौरन बताएं, फौरन बता दें भाई ये मांझा सही नहीं होता है और ये हमारे देश में चलेगा नहीं, चाइना का मांझा। ये आप लोगों से मैं खास तौर से कह रहा हूँ, तो चाइना के मांझों को बॉयकॉट करो भाई, बॉयकॉट करो, क्योंकि वो हानिकारक है, पक्षियों के लिए भी हानिकारक है, बिल्कुल इंसान के लिए भी है, पक्षियों को छोड़ो। कि वो मांझा अगर किसी को दिखे लेना भी अपराध है और बेचना भी अपराध है, जानकारी हो तो दिल्ली पुलिस को फौरन बताएं। बिल्कुल भाई, तो ये बहुत अच्छी बात बताई है भैया ने, तो किसी को भी जानकारी हो चाइना मांझा की तो आप पुलिस को जरूर जानकारी दें भाई, ठीक है। इस बात की चेक करते हैं भैया, पतंग चेक करवा दो जरा, कौन कौन सी पतंग आ रखी है आपके पास ये दिखाएंगे, चेक करो भाई। ये आपने पूरे पूरे पैकेट बना रखे हैं, ये 10 पीस में, एक पैकेट का 10 पीस है इसमें। ये कितने रुपए का पैकेट है? ये 100 रुपए का पैकेट है 10 पीस का। ये लो भाई, 100 रुपए में मिल जाएगा आपको 10 पीस का, मतलब 10 रुपए पर पीस पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ये बरेली की स्पेशल पतंग बनी हुई है, क्या बात है, ये हर किसी पे मिलेगी नहीं, क्या बात है, लाल कुआं नहीं मिलनी आपको, ठीक है। इसकी क्या प्राइसिंग?
ये 220 रुपए का पैकेट है, 20 पीस का, 20 पीस का पैकेट है ये, 220 रुपए का मिलेगा। और भैया सिंगल पीस कितने का पड़ गया? सिंगल पीस इसका 11 रुपए का पड़ गया, 11 रुपए का पड़ जाएगा भाई, क्या बात है भाई। तो इस टाइप से कलेक्शन है, जो भी मिलेगी ना आपको यहाँ की बनाई हुई होगी। हम बरेली का बेचते हैं सारा ओरिजिनल, आपको बार बार बता रहा है ओरिजिनल पतंग मिलेगी, ओरिजिनल माजा मिलेगा। तो भाई इसीलिए बोल रहे हैं ओरिजिनल मिलेगी भाई, ओरिजिनल है, स्टैंप पे लिखा होगा बरेली स्पेशल, हर चीज लिखी होगी इसकी, क्या बात है भाई, हर कारीगर का नाम। ठीक है, एक ये पैकेट आ गया भाई, वो बड़ा भी, साइज भी बड़ा है। ठीक है, ये देख लो भाई। भैया प्राइसिंग इसका प्राइस है 180 रुपए, 180 रुपए 20 पीस का रहने वाला है, ये मिलेगा आपको 180 रुपए में पूरा पैकेट भाई। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, ये बरेली का है, वो तिल्ले के अंदर घुटे हुए पेपर में है ये। ठीक है, ये देख लो भाई, 160 रुपए का पैकेट है, 10 पीस का, 10 पीस का पैकेट है 160 रुपए का, क्या बात है। और देख लेते हैं, एक ये चेक करो, ये तो नॉर्मली आपको हर शॉप पे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये फिर भी हमारे जो तिल्ले हैं इसके ताप है, ये सिके हुए हैं। ठीक है, सिके हुए नहीं मिलते, बिना सिके हुए ऐसे ही मिलते, इस पे जल्दी दिमाग लग जाती है। कितने की रहती है ये? ये 110 रुपए का पैकेट है, 10 पीस का, 110 रुपए का पैकेट है, 10 पीस का भाई। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये मिल जाएगा। और एक ये और रखी हुई है भाई, ये भी बता दो जरा, एक ये पैकेट है। ठीक है, 220 रुपए का पैकेट है, 20 पीस है इसके अंदर, 20 पीस है, 220 रुपए का पड़ेगा भाई ये, 20 पीस का भाई। इनके पास 10 पीस का भी पैकेट मिल जाएगा, 20 पीस का पैकेट भी मिल जाएगा, और उससे ऊपर की भी मिल जाएंगी, ऊपर की क्वांटिटी 50 पीस का ही पैकेट होगा, 50 का भी मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो पूरे पूरे उन्होंने पैकेट बना रखे हैं भाई। ठीक है, और भैया कुछ यूनिक यूनिक सी चीज पतंग है, ये दिखाओ जरा, ये भी चेक करना चाहेंगे एक बार हम। ये देख लो, ये जैसे की लगी हुई है, ये देखो भाई, ये कितने की रहती है भैया सिंगल पीस? ये सिंगल पीस 30 रुपए का होता है, 30 रुपए का, 30 रुपए सिंगल पीस पड़ जाएगा। और एक भाई ये उधर भी लगी हुई है, वो वाले भी बताओ, ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो भाई, इस टाइप से रहने वाली है। इसकी क्या प्राइसिंग है भैया? इसकी 60 रुपए पर पीस स्टार्टिंग है, ये अमृतसर की पतंग है, अमृतसर की पतंग है भाई। जैसे कि मैंने बताया था आपको, अमृतसर में काफी अच्छी अच्छी पतंगें बनती है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, अमृतसर वाली यहाँ पे। ठीक है, चेक करा देता हूँ भाई, और ये देख लो भाई, ये वाली कितने रुपए की पड़ेगी भैया? ये 50 रुपए पर पीस, और ये वाली कितने की बताइए? 60 रुपए पर पीस, ये 60 रुपए पर पीस पड़ जाएगी, और ये वाली 50 रुपए पर पीस पड़ जाएगी। और इधर भी देखो, पन्नी वाली भी लगी हुई है हेलीकॉप्टर टाइप में, ये कितने की रहती है भैया जी? ये 30 रुपए पर पीस है, 30 रुपए पर पीस मिल जाएगा भाई आपको भाई। ठीक है, बाकी देखो वैरायटी इनके पास काफी सारी है भाई, पतंगों की, कागज की हो चाहे पन्नी की हो, आपको सारी वैरायटी इनके पास ना अवेलेबल हो जाएगी भाई। ठीक है, एक ये देखो, ये यूनिक सी लगी हुई है भाई, ये बताना, ये 15 रुपए पीस है, 15 रुपए पीस के हिसाब से मिल जाएगी। ये कुछ दिखा रहे थे भैया पतंग वाले, ये देख लो इनका एड्रेस वगैरह है, ये चेक कर लो, नंबर वगैरह, भैया यही नंबर रहने वाला है? जी यही नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे आपको चेक कर लेना। और अच्छा भैया एक बात और बता दो, जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स दिल्ली के बाहर से वीडियो देखते हैं, उनके लिए कुछ ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह हो जाती है? जी ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी, क्वांटिटी का हिसाब होता है, कितनी मतलब मिनिमम कितने पीस लेने पड़ते हैं? मिनिमम आपको 200 प्लस पीस लेने पड़ेंगे पतंग के, एक दो चर की मांझे की। ठीक है, इसको हम कैरी करने के लिए इजीली हो जाए। अब जैसे कोई एक रील का चरखड़ा लेना चाहता है तो मिल सकता है? ऑनलाइन डिलीवरी करवा दोगे? तो चरखड़े लेने हैं ना भाई ऑनलाइन, भाई ओरिजिनल दिखाए हैं जितने भी दिखाए हैं आपको चाहिए, तो ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल करवा देंगे भैया। ठीक है, एक ये देखो भाई, ऑर्डर पे बनते हैं, स्पेशली हम बनाते हैं। ये कितने फुट की रहती है भैया? 6 फीट की पतंग है भाई, ये कितने की पर पीस कितने का पड़ता है? ये पर पीस होलसेलिंग होती है, रिटेल के अंदर इसका प्राइस 500 रुपए चला जाता है, 500 रुपए रिटेल में बिक जाती है भाई। ये देख लो भाई, काफी बड़ा साइज है भाई। तो ये पन्नी की रहने वाली भैया, कोई कागज में ही मिलती है ऐसी बड़ी पतंग? कागज में बड़ा पतंग नहीं बन सकती, क्योंकि जॉइंट लगे हुए होते हैं, वो हवा के अंदर खुल जाते हैं, खुल जाते हैं भाई। ठीक है, तो इस टाइप से पन्नी की आपको मिल जाएगी भाई, जो भी आपको साइज लेना है ऑर्डर पे बनेगी। अब कितने भी पीस चाहिए आपको, उतने पीस का आप ऑर्डर दे दो ना, आपको मिल जाएगी भाई। ठीक है, बाकी पन्नी कागज जो आपको लेनी है सारी मिल जाएगी। कनाडा पतंग कौन सी है भाई? अच्छा ये वाली, ये देख लो भाई, ये स्पेशल कनाडा में और पाकिस्तान में उड़ती है, ये देख लो भाई, नॉर्मल बंदे उड़ाई नहीं सकते। अच्छा जी, क्या बात है भाई, भाई बता रहे नॉर्मल बंदे ये उड़ाई नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, तो ये भी अमृतसर से आती होगी? जी ये भी अमृतसर। ये कितने रुपए पर पीस है? ये 100 रुपए पर पीस है, ये 100 रुपए पर पीस के हिसाब से आपको मिल जाएगा, जो कि ये अमृतसर और पाकिस्तान वगैरह में उड़ती है भाई, अवेलेबल हो जाएंगे ये। तो मैं खाली इनकी जो डिस्प्ले लगी हुई है ना वो चेक कराइए मैंने, बाकी इसके अलावा ना इनके पास काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल मिल जाएंगे। अच्छा भाई आप बता दो, कोई वहाँ पर विजिट करना चाहते तो कैसे आ सकता है यहाँ पर? यहाँ पे आप इंदर लोग मेट्रो स्टेशन 5 नंबर गेट, ठीक है, ऑन रोड है, बड़ी मस्जिद के बिल्कुल सामने 527 नंबर शॉप, 527 नंबर शॉप है, मैं चेक भी करा देता हूँ। ये देख लो भाई सामने आपको दिख गया होगा, 527 नंबर शॉप रहने वाली है, पूरा एड्रेस इन्होंने बता दिया है, बाकी नंबर एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आप देख लो भाई, ये नंबर रहने वाला है, कोई भी क्वेरी होगी ना आप इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो।